भारत और कनाडा के बीच के विवाद में अब अमेरिका भी कूद गया है। कनाडा ने फिर आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के अधिकारियों का हाथ है। इसके बाद उसने भारत के उच्चायुक्त के साथ साथ 6 राजनयिकों को वापस जाने को कह तक दिया। इन आरोपों के बाद कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। कनाडा ने मंगलवार को यह बताया कि उसने 5i यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका को इस बारे में सूचना दी है। अब अमेरिका ने भारत से इस जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। उसने कनाडा के आरोपों को बेहद गंभीर बताया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन कैनेडियाई उच्चायुक्त को निष्कासित करने के उनके फैसले से ये संकेत मिलता है कि उसने एक दूसरा रास्ता चुना है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मिलर ने कहा, जब कनाडा के मामले की बात आती है तो हमने साफ कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत सरकार अपनी जांच में कनाडा का सहयोग करे। जाहिर है उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना है। कनाडा ने भारत की सरकार, उसके अधिकारियों और खुफिया एजेंसी रॉ पर कैनेडियाई नागरिकों की हत्या कराने का आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच का राजनीतिक तनाव सोमवार को तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब भारत ने अपने उच्चायुक्त के साथ साथ 6 राजनयिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर डाली। इसके अलावा कनाडा के 6 राजनयिकों को बाहर कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की ओर से भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाने को निराधार बताया है, साथ ही कहा कि कनाडा के कारण उनकी सुरक्षा खतरे में है। मिलर ने यह भी साफ कहा कि हाल ही के महीनों में भारत के साथ सीनियर मोस्ट लेवल पर बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि तनाव के बावजूद अमेरिका अभी भी भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखता है, खास तौर से एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दोनों देशों का एक साझा दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा, भारत यूएस का अविश्वसनीय रूप से मजबूत भागीदार बना है। जब भी दोनों देशों के बीच चिंता होती है तो वो खुलकर बातचीत करते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि जस्टिन ट्रूडो ने मोदी सरकार पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा भारत के संबंधों का लंबा इतिहास है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से बातचीत की थी, उन्हें बताया था कि सिंगापुर में हमारे एनएसए के बीच होने वाली बैठक कितनी अहम होगी। भारत सरकार ने यह गलत सोच लिया कि वो कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकती है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने उम्मीद की थी कि भारत हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमें पता चला कि भारत निज्जर की हत्या के पीछे है तो हमने भारत सरकार का सहयोग मांगा, पर उन्होंने हमारी मांगे ठुकरा दी। खैर, ताजुब वाली बात यह है कि कनाडा की संसद में 18 जून को ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 1 साल पूरे होने पर उसे श्रद्धांजलि तक दी गई थी। इसके लिए संसद में 1 मिनट का मौन रखा गया। कैनेडियाई संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले स्पीकर ग्रेग फर्गस ने शोक संदेश पढ़ा और उसके बाद सभी सांसदों से निज्जर के लिए मौन रखने को कहा गया। अब आगे देखना होगा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में कैसी पहल देखने को मिलती है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देशों और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी नाइन डिजिटल पर।